बरसों से चली आ रही अदावत में शारिक और सलमान गैंग के बीच अब तक आधा दर्जन जिंदगियां हलाक हो चुकी हैं, जहां सलाखों के भीतर बंद दोनों ही गैंग के सरगना एक दूसरे से खार खाए बैठे हैं। लेकिन वो खामोश नहीं है, वो तो वर्चस्व की जंग में खून के प्यासे बन चुके हैं, जहां मेरठ में फिर से कातिलाना कहानी लिखी गई है। एक के बाद एक चली गोलियों की आवाज, जिला मेरठ के थाना नौचंदी के ढवाई नगर इलाके में कोहराम मचा। समझ में किसी को नहीं आया गोलीबारी करने वाले कौन, और बारूदी कोहराम मचा रहे वो दहशतगर्द कहां से आए, किस पर गोलियां दाग रहे हैं। गली के भीतर होती गोलीबारी से शाम की खामोशी हलचल में तब्दील हो चुकी थी, तो इलाके में जिंदगी जीने वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां गिराने लगे, डर के मारे इधर उधर भागने लगे, अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन जब गोलियों की आवाज, तो स्थानीय लोगों ने हिम्मत करके ये जानने की कोशिश की कि किस घर की चौखट पर खूनी खेल खेला गया, और जैसे ही लोगों ने अपने घर से कदम बाहर निकाले, चंद कदमों की दूरी पर वो दहशतगर्द नजर आया जो बाइक पर सवार थे। बदमाश डेयरी संचालक सलीम की दहलीज के बाहर निकले, और बदमाशों के दूर जाते ही स्थानीय लोगों ने मौके का रुख किया, तो डेयरी के भीतर मवेशी ही नहीं बल्कि उनकी देखरेख करने वाला डेयरी संचालक सलीम समेत उसका नौकर शमी भी लहू से सने निढाल में। सलीम की सांसें थम चुकी थी और शमी की सांसें चल रही थी, जिसकी उखड़ती सांसों को देख फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। खबर मिलते ही पुलिस हबड़ तबड़ की हालत में सीधे मौकाए वारदात पर पहुंची, जिनकी मदद से शमी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। थाना नौचंदी क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसमें डिवाई नगर यहाँ पर है। करीब दो घंटा पहले की ये घटना है, जिसमें जो डेयरी संचालक है वो बैठे हुए थे और उनका नौकर बैठा हुआ था। कुछ लड़के आए हैं बताया गया है, हालांकि अभी कोई आई विटनेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन बताया गया है कुछ लड़के आए हैं मोटरसाइकिल से और उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग उन्होंने की है, जिसमें उनको दोनों लोगों को गोली लगी है और अनफॉर्चुनेटली दोनों की मृत्यु हो गई है। इसमें मर्डर का मुकदमा लिखा जा रहा है और जो भी इसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। पुरानी रंजिश का मामला ये सामने आ रहा है। पुलिस के लिए चुनौती यही थी कि दोहरे हत्याकांड के पीछे वजह क्या है, तो जल्द ही इस बात की तस्दीक कि दोनों हत्याओं के पीछे बरसों से चली आ रही अदावत सलाखों के भीतर सजा काट रहे सलमान गैंग और शारिक गैंग के बीच ये अदावत काफी पुरानी, जहां सलाखों के भीतर बंद होने के बाद वो जेल के भीतर से ही अपनी जुर्म की सल्तनत चला रहे हैं। कभी सलमान गैंग के गुर्गे शारिक गैंग पर भारी पड़ते हैं, तो कभी सरगना शारिक के इशारे पर सलमान को समर्थन देने वालों की मौत लिखी जाती है। इंतकाम की आंच में लिखी गई इस डबल मर्डर के पीछे अब से कुछ दिनों पहले हुई वो हत्या थी, जहां बदले की आग में शारिक ने सलमान के पार्षद चाचा आरिफ की कोतवाली इलाके में गोलियों से भून कर हत्या कर दी, और जब बारी सलमान की आई तो उसने भी वही किया जो कुछ दिनों पहले उसके साथ हुआ था। जेल में बंद शारिक को सपोर्ट देने वाले डेयरी संचालक सलीम समेत उसके नौकर शमी को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया, जहां आज इस गैंग वॉर से मेरठ की पुलिस कप्तान संजीदा है, और दोबारा इस गैंग वॉर को न दोहराया जाए इसके लिए खुद ही पुलिस कप्तान सलाखों के भीतर सजा काट रहे दोनों गैंग के सरगना क्राइम कुंडली खंगालने में झुकी। दो ग्रुप्स में आपस में एक वर्चस्व को लेकर जो आपस में जंग चल रही है, इसी को लेके ये मर्डर होना फिलहाल सामने आया। मैम, किस किस को वर्चस्व की लड़ाई है और कौन कौन लोग हैं, थोड़ा जो सामने आया? मेरे पीछे भी कुछ मर्डर्स हो चुके हैं, दो ग्रुप्स हैं बेसिकली, हालांकि उनके अधिकांश जो लोग हैं वो जेल में हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यही लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, वही चीज़ सामने आई है। फिलहाल हम लोग इसमें और जांच करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या मैम, ये सलमान और शारिक वाला वही ग्रुप है जिसको पैसे चीजें सामने आ रही हैं, तो प्रॉब्ली उसी से इसका लिंक है। गोली के बदले गोली, खून का बदला खून, जिंदगी के बदले जिंदगी, ये वर्चस्व की लड़ाई कब तक चलेगी? इसे ना तो कोई रोक पाया, ना ही पुलिस इस गैंग वॉर पर अंकुश लगा रही है। वो हर बार दावा करती है, लेकिन पुलिस के दावों का दम उस वक्त निकल जाता है जब खूनी कहानी गढ़ दी जाती है। डंके की चोट पर हत्या की वारत लिखने वाले खून खराबा करके चलते बनते हैं, और पुलिस दलबल के साथ लकीर पर लकीर खींचती रह जाती है।
जहां उन्हें खबर तब लगती है जब कत्लेआम की कहानी गढ़ी जा चुकी होती है। अदावत की ये खूनी प्यास अब तक नहीं बुझी तो अब क्या बुझेगी। अभी दो मारे गए, जाने कितनी और जिंदगियां फना होंगी। जिसे रोकना ही पुलिस के लिए एड़ी चोटी एक करने के बराबर है, क्योंकि बारूदी कोहराम मचाने वाले पुलिस को बताकर नहीं आते, वो तो आते हैं जान छीन कर चले जाते हैं। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। यूपी के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। प्रद्युम्न की घटना से भी लगता है किसी ने सबक नहीं सीखा है। जरा सोचिए, अगर प्रिंसिपल ही कसाई जैसा सलूक करने लगे तो बच्चे कहां पढ़ेंगे। निजी स्कूल में छात्रा की बेरहम पिटाई, प्रिंसिपल ने मार मार कर किया अधमरा, बेहोश बच्ची को प्रिंसिपल ने बनाया बंधक, स्कूल पहुंचकर पुलिस ने बच्ची को छुड़ाया। देखिए इस बच्ची की कैसी हालत हो गई है, जो हमेशा चहकती कूदती रहती थी वो चलने की स्थिति में नहीं है। आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि इस बच्ची की ये हालत उसके सेंट स्टीफेंस स्कूल की प्रिंसिपल ने की है। स्ट्रेचर पर लेटी ये बच्ची 9वीं की छात्रा है, जिसे उसके स्कूल प्रिंसिपल ने इतना पीटा कि वो बेहोश होकर क्लासरूम में ही गिर पड़ी। ये तस्वीर इस बात का पुख्ता प्रमाण है, ये तस्वीर बता रही है कि वो प्रिंसिपल कितनी क्रूर है, जो महज बच्ची पर इसलिए आग बबूला हो गई जब वो खाली वक्त में मस्ती के मूड में थी। सुनिए उसी की जुबानी। आज एक पीरियड हमारा खाली था तो सर आए नहीं थे, तो उन्होंने आते ही पहले कहा पढ़ो, फिर उसके बाद वो चली गई, फिर सारे बच्चे बातें करने लगे तो उन्होंने हमको देख लिया तो वो फिर हमें मारने लगे। टेस्टर से मारा तो हाथ धो से चलाए थे, उसके बाद हम रोने लगे थे, उसके बाद भी होश हो गया, फिर उसके बाद दीदी लोग को मिलने ले दिया किसी को, जब हॉस्पिटल में आए थे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप एक बार फिर हैरान हो जाएंगे। पिटाई के बाद बच्ची बेहोश हो गई थी, परिजनों को जब जानकारी मिली तो वो भागे भागे स्कूल पहुंचे, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल ने तो बच्ची को परिजनों को सौंपने की जगह उसे बंधक बना लिया। काफी हंगामे के बाद पुलिस को बुलाने के बाद स्कूल ने बच्ची को परिजनों के हवाले किया। हमारी बहन के साथ ये हुआ कि वो स्कूल में थी, स्कूल से फोन आया कि आपकी बच्ची बेहोश हो गई, हम वहाँ पर गए तो हमको मालूम पड़ा कि बच्ची को मारा गया है, खूब ज़्यादा मारा गया है, वो बेहोश थी। हमने दूर से शीशे से देखा कि बच्ची ऑफिस में पड़ी हुई थी बेसुध, उसको कुछ बच्चे कुछ टीचर जो है सहला रहे थे। हम वहाँ देखने के बाद में हमने कहा बच्ची को दे दीजिए, हम ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाएंगे इसको, बच्ची को नहीं दिया। फिर हमने क्या काम किया, 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर आई है पुलिस और बच्ची को छुड़ा करके हमको दिया है। हम उसके बाद में थाने ले गए हैं, चिन्हट थाने। किस स्कूल का मामला है ये? स्कूल का मामला सेंट स्टीफन का है। और किसने मारा है इनको? इसको मारा है प्रिंसिपल ने। क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का नाम दीपा नाम है करके, केरल की है। चिन्हट थाने गए तो क्या हुआ? थाने गए तो एसओ बोले कि जो है आप लेकर के पहले ट्रीटमेंट करा के मेडिकल रिपोर्ट लेकर के आइए, तब हम रिपोर्ट लिखेंगे, जो होगी कार्रवाई हम वो करेंगे। छात्रा की और उसके परिजनों की समस्या यही खत्म नहीं हो गई। जब वो थाने पहुंचे तो उन्होंने केस दर्ज करने और कार्रवाई करने की जगह उन्हें बच्ची को अस्पताल ले जाने की हिदायत डाली। ये 9th क्लास में पढ़ते हैं, सेंट स्टेफेंस स्कूल है जो बागामू में पढ़ता है मतलब, और वहाँ पर जब हमको सूचना मिली तो वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर बच्ची को देखे, खूब कसके लोग लातों घुसो मारे। सूचना दिया जब 100 नंबर पे तो पुलिस आई वहाँ से, फिर बड़ी मुश्किल में बच्ची को जब मिला तो मैं चिन्हट थाने गया। चिन्हट थाने जाने के बाद फिर वहाँ पे FIR भी नहीं किसी के लिए, किसी को नहीं भेजा वहाँ। क्या बोले आपसे? वहाँ से बोला गया है कि आप सीधे जाइए और पहले दवा इलाज कराइए, मेडिकल लेके आइए, तब FIR आपकी लिखी। पहले सेंट स्टीफेंस स्कूल में प्रिंसिपल की बेरहम पिटाई और उसके बाद राहत के लिए चिन्हट कोतवाली का इनकार भरा रवैया परिजनों को अंदर से तोड़ दिया है। ऐसे में अब वो कहां जाएं, जिस पर कानून की तामील कराने की जिम्मेदारी है वो एक्शन की जगह आंखें मूंद कर बैठे हैं। RK पॉल, लखनऊ, समाचार प्लस। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के उस धागे से बंधा होता है, जो एक बार टूटता है तो उस गृह में कसी जिंदगी को जीना
किसी ना किसी के लिए बर्दाश्त से परे होता है। लेकिन उस दिलफेंक पति ने पत्नी के जज्बातों की कदर ना की, बल्कि अपनी नापाक रिश्ते की खातिर बीवी को ही दोस्तों के सामने परोस दिया। संभल के जिला अस्पताल के भीतर बेड पर मायूस लेटी इस महिला की बेवसी सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। उस पाक रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा जहां शादी के वक्त पति अपनी धर्म पत्नी की सुरक्षा की सौगंध लेता है कि वो हर उस घड़ी उसकी हिफाजत करेगा जब उसकी पत्नी किसी उलझन में हो। लेकिन कभी न भरने वाले जख्म अगर पति ही दे जाए तो ऐसे रिश्ते को आप क्या कहें, पाक रिश्ता या फिर विश्वास से धोखा, जिसको हैवानियत के पैरों तले रौंदने से पहले शैतान पति ने एक मर्तबा नहीं सोचा कि किसके लिए किसकी आबरू को दांव पर लगाने निकल पड़ा। लेकिन दरिंदे पति विक्की ने अपनी पत्नी की इज्जत की परवाह नहीं की, गैरों के सामने अपनी पत्नी की इज्जत परोस डाली, उसे हैवानों के सामने छोड़ तमाशा देखता रहा, जिसकी आबरू नोचने वाले खरोचने वाले जी भर की मनमानी करते रहे और बेसुध पड़ी महिला विरोध का एक स्वर तक जुबान से न निकाल पाए। जिसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के भीतर पाया, क्योंकि उसे हाईवे के किनारे से बेहोशी की हालत में लाया गया। इसके तन से लिपटे कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो होश में आने के बाद अपनी बेबसी सुनाने पर मजबूर थी कि जिससे छुटकारा पाना चाहा उसने उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना डाली। मेरे पति परसों रात आए थे। ठीक है। मेरे घर में मार तोड़ करके चले गए मेरे ऊपर। अच्छा। कह रहे गलत काम कर ले तो है नहीं, तो बात मेरे घर की मारा करते हो रहे। अच्छा। वो चलेगा कल मैं प्रार्थना करते मैंने वहाँ गई थी। अच्छा। इसमें एस एस पी ऑफिस में नहीं हूँ। नहीं मुरादाबाद। मुरादाबाद। अच्छा। एस एस पी यहाँ थे क्या, मैं वहाँ गई थी तो रमेश और कलड़का और ये हत्यारी मेरे भाई थे, कागज। मूल रूप से मुरादाबाद की रहने वाली महिला की शादी अब से 2.5 साल पहले विकी से हुई, जो अपनी शादी से बेहद खुश थी। उसने अपनी नई जिंदगी में ढेरों खुशियों के रंग भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी का रंग उस दिन से फीका पड़ने लगा जब उसने अपने पति विकी का असली चेहरा देखा। शादी के 1.5 साल बाद वो एक ऐसी औरत के संपर्क में आ चुका था इसके साथ विकी का सारा वक्त गुजरता था। पत्नी को घर में तनहा छोड़ विकी उस नाजायज रिश्ते को हवा दे रहा जिसकी इजाजत समाज नहीं देता। लेकिन विकी उस गैर औरत के लिए इतना दीवाना था कि उसने पत्नी के अरमानों का गला घोंट डाला, जिससे आगे जाकर महिला अपने मायके 1 साल से रह रही थी। लेकिन इस फैसले से भी वो नाराज था जिसने पत्नी को जान से मारने की धमकी दी, और जब इसकी शिकायत महिला ने मुरादाबाद के पुलिस कप्तान से की तो उसे बीच रास्ते से अगवा कर लिया गया, झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ सुखाया गया, फिर उसकी इज्जत लूट ली गई। ये महिला एक मिली है, ये बता रही है कि इसका पति से विवाद चल रहा है जी। और पति और इसका एक दोस्त और एक इसके पति के साथ एक महिला रहती है और एक ड्राइवर, ये लोग गलत काम के लिए दबाव बना रहे थे और कल इसने दरखास्त दिया था मुरादाबाद साहब के यहाँ, और फिर ये लोग रात में शाम को इसके पास आए और फिर इसको गाड़ी में ले गए और गाड़ी में कोई नशीला पदार्थ इसको खिलाया। महिला जिस हालत में सड़क किनारे मिली वहाँ सबसे पहले पुलिस की नजर उस पर पड़ी, जिसकी खबर आला अफसरों को दी गई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कप्तान ने फौरन हॉस्पिटल का रुख किया। पीड़ित महिला की जुबानी उसकी आप बीती सुनी कि कैसे वो हैवानियत की शिकार बनी। अच्छा। पीड़ित महिला हर एक अल्फाज के साथ फफक कर रोने पर मजबूर थी। वो सिलसिलेवार अपनी ही जुबानी वो चंद नाम बता रही थी जिन्होंने चलती कार के भीतर उसकी आबरू लूटी, वो भी एक महिला की मिली भगत जिससे पति का अवैध संबंध। ये बता रही है कि हमारे साथ गलत काम किए और जो है इसको बनिया ठेर के पास जो है सड़क के किनारे करके मुकदमा पंजीकृत करके
कार्रवाई की जा रही है और विवेचना से जो भी प्रकाश में आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रिश्तों को तार तार करने वाली इस दास्तान बस विश्वास को छलनी किया है, जहां रिश्तों को बनाए रखने के लिए सौगंध ली जाती है, लेकिन उन कस्मों की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। आज महिला इंसाफ चाहती है, उस बेगैरत पति के लिए सजा चाहती है जिसने जीते जी उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी, वो भी गैर औरत के लिए। अभिनव माथुर, संभल समाचार। एक महिला की मर्डर मिस्ट्री को लेकर कुशीनगर पुलिस 5 दिनों से दिन रात एक करके तहकीकात कर रही थी, लेकिन कत्ल की वजह साफ नहीं थी कि हत्या क्यों और किसने की। लेकिन शक के आधार पर दायरे में आए मृतक महिला के भाई को जब पुलिस ने शिकंजे में लिया तो एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। अक्टूबर 2017 की रात इस घर के भीतर अज्ञात लोगों ने खूनी खेल खेला। घर की मालकिन विद्यावती की लाठी और हॉकी से पीटकर निर्मम हत्या की, फिर उनके घर में मौजूद दो महिलाओं को पीटकर अधमरी हालत में पहुंचा दिया। पुलिस समझ नहीं पा रही थी घर के भीतर दाखिल हुए तीनों अपराधी कौन रहे होंगे, लेकिन पुलिस सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये साफ अंदाजा लगा चुकी थी कि इस वारदात के पीछे कोई न कोई करीबी है। क्योंकि गौर करने वाली बात यही थी कि जिस तरह से विद्यावती की हत्या की गई, वहां कातिल किसी रिवेंज में था। वो बदले की आग में इस कदर तिलमिलाया हुआ था कि विद्यावती के सिर पर वार करते वक्त उसने उस पर रहम खाने की जरूरत महसूस न की। वो बस तब तक मारता रहा जब तक उसके सिर के परखच्चे नहीं उड़े। ऐसे में उस करीबी कातिल की तलाश में पुलिस का शक विद्यावती के भाई रामायण चौहान पर गया, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा तो एक ऐसी सनसनीखेज सच्चाई से पर्दा उठा जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। कुंदिया गांव में एक विद्यावती पत्नी कनारसी नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी बड़े नृशंस तरीके से। सुबह उसकी डेड बॉडी उसके घर पे पाई गई थी। एक महिला इसमें बुरी तरह से घायल भी थी और हॉस्पिटल में थी। हम लोगों को जैसे सूचना गई मौके पर गए। थाना तुर्कपट्टी के गांव सोंदिया की रहने वाली विद्यावती एक सेक्स संचालिका थी, जिसकी हरकतों से उसका भाई ही नहीं बल्कि पूरा गांव परेशान था। गांव में ये बात किसी से नहीं छिपी थी कि रामायण की बहन गांव से दूर कौन सा गंदा धंधा करती है। बहन विद्यावती की नाफरमानियों से रामायण का कलेजा दुखता था। वो सोचता रहता था कि ऐसी बहन के होने से अच्छा होता उसकी कोई बहन न होती, और करने के लिए रामायण ने विद्यावती से रिश्ता भी तोड़ लिया था। लेकिन वो समाज की नजर में तो नहीं पिछड़े थे, जहां अक्सर इन बातों की चर्चा होती थी कि विद्यावती भले ही रामायण से दूर रहे, वो है तो उसकी ही बहन। इस रिश्ते के कलंक को भाई चाहकर भी नहीं धुल पा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक खूनी प्लान आया। ये हत्या इसका भाई रामायण यादव, जो उसी गांव में ही रहता था, अपने साथियों के साथ मिल करके उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और घटना का कारण पूछने पर उसने बताया कि इसकी बहन विद्यावती कुछ गलत काम में संलिप्त थी, जिसके कारण उसकी बदनामी हो रही थी, और उसी बदनामी से बचने के लिए इसने अपने साथियों के साथ मिल करके इसकी हत्या कारित कर दी। रामायण अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतारने की ठान चुका था, जिसने अपने दो साथियों की मदद ली, फिर विद्यावती को लाठी और हॉकी से पीटकर मौत के घाट उतारा, जिसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि रामायण की समाज में बिरादरी में बदनामी होती थी। जिस रास्ते से रामायण गुजरता था वहाँ उसकी नजरें झुकी रहती थी। वो चाहकर भी किसी से नजरें नहीं मिला पाता था, और अपनी बदनामी को लेकर ही उसने इतना खौफनाक कदम अख्तियार किया। सर प्लान यही बनाया कि घर वालों को भी बेइज्जती होता था, गांव वालों को भी बेइज्जती होता था, इसीलिए उसको मारने की तैयारी की।
आदिल भाई रामायण को अपने किए पर पछतावा नहीं, वो अपना जुर्म बेबाक होकर कबूल रहा है कि उसने बहन को मौत दी। वो नहीं मानी तो ऐसा करना पड़ा, उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी नर्क बनाई बल्कि पूरे गांव का जीना दूभर कर दिया, जिसकी सजा सिर्फ मौत थी क्योंकि वो महिला होकर महिलाओं के जिस्म की पोली लगाती थी, उसकी सौदागर थी। मनीष मिश्रा, कुशीनगर, समाचार प्लस।